सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि PACL कंपनी से जुड़ी जानकारी आप सबसे पहले पाएं। इस अभियान में यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनमें एक और कॉरपोरेट करप्शन का बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पीड़ित और परेशान हैं। एक कंपनी PACL के नाम से जिसने इस देश में सबसे बड़ा कॉरपोरेट करप्शन किया, 49,100 करोड़ का करप्शन है वो, और उस 49,100 करोड़ रुपया जो लगा हुआ है उसमें, जो उस कॉरपोरेट करप्शन की भेंट चढ़ गया वो किसानों का है, गरीबों का है। अन्ना जी से हमने निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है कि वो इस मामले को, इस मुद्दे को भी अपने संज्ञान में लें। और चूंकि किसानों के लिए सारा मामला चल रहा है, किसानों के सुधार के लिए सारी तैयारी चल रही है, लेकिन वो 49,100 करोड़ रुपया जो कॉरपोरेट करप्शन की भेंट चढ़ गया, जो PACL कंपनी ने चढ़ाया, उसके हित में भी, क्योंकि इस देश के 5,85,00,000 किसान परिवार हैं जो उस कॉरपोरेट करप्शन की भेंट चढ़े हुए हैं। पीड़ित और परेशान लोग आए हैं, इससे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज क्योंकि यह अनिश्चितकालीन धरना है, अनिश्चितकालीन आंदोलन है, अनिश्चितकालीन कार्यक्रम है, आपने कहीं ये सोच के आए हो कि 2-4 घंटे का है, 1-2 दिन का है, नहीं। आप लोगों को अन्ना जी के कंधे से कंधा लगा करके जब तक वो यहाँ है, जब तक वो अपनी विजय पताका नहीं बना दे, आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है, हिलना नहीं है। आपका दुख और दर्द और आपकी तकलीफ अन्ना जी के चहन में है, वो इससे परे नहीं। तो मैं सभी का समर्थन चाहूंगा इसमें, और साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि बहुत सारी श्रृंखला है बोलने वालों की, इस मुद्दे को भी अन्ना जी और अन्ना जी की टीम अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि इस देश का बहुत बड़ा कॉरपोरेट करप्शन है। और चूंकि इस कंपनी से केंद्र सरकार ने करीब 31 साल में 1,00,000 करोड़ इनकम टैक्स लिया है, तो सीधा सीधा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो गरीब और किसान इससे पीड़ित हैं उनको वो राहत दे। 2 फरवरी 2016 को इन्हीं गरीब लोगों के लिए, इन्हीं गरीब परिवार, किसान परिवारों के लिए एक निर्णय दे दिया कि इस कंपनी की सारी प्रॉपर्टी नीलाम की जाए, उनको पैसा दिया जाए, लेकिन 2 साल से भी अधिक हो गया, इन बेचारे गरीब किसान परिवारों को अभी तक एक नए पैसे की राहत नहीं मिली है। मैं अंत में मेरी वाणी को विराम दूं, उससे पहले सब लोगों को आह्वान करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी आंदोलन में संख्या बल एक काम करती है, इसलिए आप जितने भी यहाँ हैं आप सब इस बात का संकल्प लें कि आने वाले दिन में, कल में, परसों में इतने अधिक लोग होने चाहिए कि जैसे अभी पूर्ववक्ता कह रहे थे, इतने बड़े क्षेत्र में एक तिल भी रखने को जगह ना मिले। ये आपसे मेरी गुजारिश है, ये कोई 2-4 लोगों का काम नहीं है, संख्या बल भी आवश्यक होती है किसी भी आंदोलन में, वो आपको आपको इकट्ठा करना है। अन्ना जी को आना था, बैठ गए आपके साथ, अब आपको साथ देना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL से जुड़ी